क्या कुछ हो? वो सवाल ही नहीं होता जब मेंबरशिप रिन्यूअल नहीं हो तो बीजेपी के लिए काम करना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके लिए हम बैठकर कोई अच्छी सी कोई कैसे क्या पार्टी बनाए, जैसे अभी महाविकास जनता पार्टी है या कोई और नाम से कुछ करें, लेकिन कुछ करेंगे। मान्य केशु भाई और मैंने जो भाजपा की प्राथमिक सदस्यता है जो अभी चल रही है, शायद पूरी भी हो गई होगी, तो प्राथमिक सदस्यता रिन्यू नहीं करने का हमने निर्णय लिया। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक सदस्यता अगर रिन्यू ही नहीं हुई तो वो भाजपा के मेंबर रहते ही नहीं। क्या माना जाए कि भाजपा के साथ नहीं रहेगा? वो तो जो हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें भाजपा के साथ कोई अब नाता नहीं रहा। क्यों ऐसा करना पड़ा? ऐसा तो क्या हो गया पांच सालों में कि ये चीज़? देखिए, केशव भाई हो या मैं हूँ, जैसे मैं हूँ, जब पिछली प्राथमिक सदस्यता हुई, मुझे घर पे आकर उन लोगों ने प्राइमरी मेंबर बनाया, सक्रिय मेंबर बनाया, लेकिन जितने भी साल बीत गए, कभी ना तो मुझे भाजपा की कोई मीटिंग में बुलाया गया, कोई मानो के दीनदयाल जी का उसका जन्मदिन मनाना, उन्हीं पुण्यतिथि मनाना, ये जब कार्यक्रम, उसमें कहीं भी हमें इनवाइट किया ही नहीं। यानी मैं बीजेपी में हूँ या ना हूँ तो वो तो हमें लगता ही नहीं। तो ऐसे मैं मतलब अगर किसी पार्टी में रहना ठीक है, दिल से तो भाजपा का वैसे भी कहा जाए, लेकिन जो व्यवहार उन लोगों का रहा, और इसीलिए सोचा कि इसे बेहतर है कि भाई उनकी सदस्यता का स्वीकार ही ना करें। वैसे आया भी नहीं। उसी तरह श्री केशु भाई ने भी भाजपा में रहते हुए उनके साथ जो अन्याय हो रहा, अपमान हो रहा, और जो गुजरात की और गुजरात के लोगों की जो हालात होती जा रही है शासन की वजह से, उनके बारे में बहुत शिकायतें दिल्ली में भी की है, जो हमारे हाई कमान कहा जाए उसको भी दी, लेकिन वहाँ से अगर रिस्पॉन्स ही नहीं मिले ठीक तरह से, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर क्या फ़ायदा? आखिर तो हम लोगों से है। जब हमने भाजपा इतनी बढ़ाई सारे गुजरात में, संगठन बढ़ाया, सरकार बनाई, तो लोगों का सहारा लेकर बनाई। आज लोग उनके खिलाफ जब होते जा रहे हैं तो लोगों की शिकायत दूर करने का भी भाजपा संगठन और सरकार का उसका कर्तव्य रहता है। अगर ये नहीं हो तो फिर मतलब ही नहीं। वो तो बहुत सारे गुजरात में अगर कहा जाए तो हजारों ऐसे कार्यकर्ता है कि जिन्होंने अपने खून पसीने से अपना धंधा छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, सिर्फ भाजपा के संगठन को बढ़ाने के लिए, भाजपा की सरकार लाने के लिए। ये जो उनकी मन की एक संकल्प था, उसको पूरा करने के लिए बहुत त्याग किया। आज वही कार्यकर्ता आज के शासन से, संगठन से बहुत ही नाराज है, निराश है। उसको नहीं लगता कि भाई पंडित दीनदयाल जी ने बताया हुआ रास्ते पे ये राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ हो रहा है, राज्य के विकास के लिए जो हो रहा है, जो केशव भाई के राज में हुआ था। है ना, बहुत सारे लोग हमारे कॉन्टेक्ट में, वो सामने से आते हैं, कहते हैं कि साहब ये कैसे अपमान सहन करके बैठ ही रहोगे, क्या करोगे? बहुत सारे, हम तो कार्यकर्ता की बात, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता में एमएलए भी आ जाता है, कोई भी आ जाता है। देखिए, मीडिया चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो साक्षी तो है ही कि हम गांधीनगर में मिलते हैं। आज की जो राजकीय स्थिति है, भाजपा की जो परिस्थिति है, इसके बारे में हम चर्चा करते ही रहते हैं।
अब आने वाले दिनों में क्या करना है इसके लिए तो हमने सारे गुजरात के जो महानगर है उसके उसमें हम सम्मेलन करेंगे, लोगों का क्या कहना है सरकार के बारे में या उसको क्या चाहते हैं, इनका एक ओपिनियन लेकर इनकी इच्छा जानकर हम आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लेकिन बहुत जल्द बनाएंगे। क्या बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया जाएगा, कोई और ही फ्रंट होगा क्या कुछ? ये अभी तो तय नहीं किया है, लेकिन अगले महीने अगस्त महीने में जो क्रांति का महीना होता है तो उसी महीने में अवश्य अच्छा निर्णय हो जाएगा। थर्ड फ्रंट होगा बीजेपी।